Welcome to God's True Light. परमेश्वर की सच्ची ज्योति प्रोग्राम में आपका स्वागत है. What a privilege, what a joy it is to come together as God's people to study God's word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के नाते प्रभु के लोगों के रूप में एक साथ आना कितना बड़ा सौभाग्य है. Today we are extremely happy to have our guest, my friend and my brother, Dr. Robert Thottampuri. आज सच में मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे भाई, मेरे मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं. भाई रॉबर्ट तोट्टियमपुरी. He hails from Andhra Pradesh, India. और ये तो आंध्र प्रदेश भारत के रहने वाले हैं. But presently he is living in UK, England. लेकिन इस समय ये वर्तमान में इंग्लैंड में रहते हैं. I have a conviction that God chose him and handpicked him to be the end-time preacher in these last days. और मैं सच में इस बात को मानता हूँ कि परमेश्वर ने अपने हाथों से इन्हें चुना ताकि अंतिम समय के लिए इन्हें एक वक्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में उपयोग करें. Now he will give the overview of the book of Daniel in 6 series episodes. अब ये 6 सीरीज के एपिसोड में दानियल की किताब का सारांश बताएंगे. He will deal with the aspects through the sanctuary truth. और ये तो वेदी की जो सच्चाई है उस दृष्टिकोण से ये सारी बातें बताएंगे. May the Holy Spirit be with him and speak to us to prepare us for his kingdom. पवित्र आत्मा इनके साथ में रहें ताकि परमेश्वर हमसे बातें करें और अपने राज्य के लिए हमें तैयार करें. Now we are, it's an honor and privilege to welcome Dr. Robert Thottampuri to come and share God's word with us. और ये सच में हमारे लिए बड़ा आदर है, सौभाग्य की बात है. हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रॉबर्ट तोट्टियमपुरी का कि वो आकर परमेश्वर का वचन हमें बताएं. Good day to you all. आप सभी का दिन आशीर्वादित हो. I bring you greetings again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपका अभिवादन. Session number 5. पांचवा सेशन. We continue with the prophecies in book of Daniel. हम दानियल की भविष्यवाणी के बारे में आगे देखते जा रहे हैं. We touched earlier. हमने इसके बारे में पहले देखा about the 1260 day prophecy. 1260 दिन की भविष्यवाणी के बारे में. We read in Daniel 7:25. हमने दानियल 7:25 से पढ़ा है. Let's read one more verse. चलिए एक और वचन पढ़ते हैं. Daniel chapter 12 and verse 7. दानियल अध्याय 12 वचन 7. And I heard the man clothed in linen. तब मैंने एक पुरुष को जो मलमल के वस्त्र पहने हुए था उससे सुना. Which was upon the waters of the river. जो कि नदी के जल के ऊपर था. When he held up his right hand. जब उसने अपना दाहिना हाथ उठाया. And his left hand onto heaven. अपना बायां हाथ, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाया. And swear by him that liveth forever. और ऐसा सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा. That it shall be for a time. कि एक समय काल के लिए होगा. Times. और दो समय काल. And half. और आधा समय काल. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people. ये दशा 3.5 साल तक ही रहेगी जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी. All these things shall be finished. तब ये सब बातें पूरी होगी. So this is what the prophecy is saying. भविष्यवाणी यही तो कहती है. Again here time, times and half a time. यहाँ पर फिर से ये कहता है कि एक साल और उसके बाद में 2 साल और फिर आधा साल. 1260 days. 1260 दिन. Why do we do this? हम ये क्यों कर रहे हैं? Because Jewish calendar. क्योंकि यहूदी कैलेंडर had 30 days in a month. उसके हर महीने में 30 दिन हैं. And therefore you have 360 days in a year only. और इसीलिए एक साल में 360 दिन हैं. Only from Julian calendar onwards you will see 365 days. और इसीलिए जूलियन कैलेंडर में ही हम यहाँ पर 365 दिनों का साल देखते हैं. So let us examine what happened during this time. तो आइए देखते हैं कि इस साल क्या हुआ. Let us remind ourselves about the sanctuary. और आइए इस यहाँ पर हम वो मिलाप वाला जो तंबू है उसके बारे में याद करते हैं. So in the outer court, बाहरी आंगन में, we have the altar of sacrifice. वहाँ पर वेदी का, वहाँ पर बलिदान की वेदी थी. And then you have the laver. और फिर उसके बाद में हौदी थी. And then you have the table of shewbread in the holy place. और फिर पवित्र स्थान में वहाँ पर रोटी के लिए मेज थी. On the right side. दाहिनी ओर. And in the middle. और बीच में altar of incense. वहाँ पर धूपदान की वेदी थी. And on the left side 7 branch candle stand. और बाईं ओर वहाँ पर 7 दीवट का, वहाँ पर एक दीवट. And then you enter the most holy place through the veil. और उस पर्दे के द्वारा उसके पार आप महापवित्र स्थान में जाते थे. Complex article. वहाँ पर बहुत मुश्किल ऐसी बातें थी. Ark of the covenant as the foundation. वहाँ पर बुनियाद के रूप में वाचा का संदूक. Inside you have the 10 commandments. और उस वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं. Pot of manna. और वहाँ पर मन्ना रखा था. Aaron's rod that budded. और हारून की छड़ी थी जिससे अंकुर निकले थे, फल लगे थे. On top of it we call the throne of God, which is the mercy seat. और उसके ऊपर परमेश्वर का सिंहासन जिसे हम दयासन कहते हैं. On either side you have 2 cherubims. और फिर दोनों तरफ वहाँ पर 2 करूब थे. Let me also remind you. चलिए मैं आपको याद दिला दूँ. Before Satan fell. शैतान के पतन के पहले. was Lucifer, उसका नाम लूसीफर था, and he और वो was one of the cherubim, वो करूबों में से एक था. His job, उसका काम था, was to protect the law of God, कि परमेश्वर की व्यवस्था की रक्षा करे. But he chose that there is another way other than the law of God. लेकिन उसने चुना कि परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और भी दूसरा तरीका है. You can see all this description in Isaiah chapter 14. आप यशायाह 14 में ये सब विवरण देख सकते हैं. You can also see it in Ezekiel 28, we touched in the first session. यहजकेल 28 में भी देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले सेशन में बताया था. You can also find it in Exodus chapter 25 onwards. निर्गमन 25 से आगे आप इसे देख सकते हैं. It talks about the sanctuary and what job Lucifer was meant to be doing. और वो तो यहाँ पर उस तंबू के बारे में बताता था और लूसीफर क्या करता था ये भी बताता है. And therefore you would see now what he is trying to do. अब आप देखेंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है. He being in the sanctuary, वो उस भवन में था, since he was being created, जबकि वो बनाया गया था उस समय से, we don't know how long, हमें नहीं पता कितने समय तक, for ages, कई युगों तक. He knows the whole sanctuary. वो पूरे उस तंबू को जानता था. He knows what it represents. वो जानता था ये क्या दर्शाता है. He knows it represents Jesus Christ, everything. वो जानता था ये यीशु मसीह को दर्शाता है. And he knows that God is operating through the sanctuary. और वो ये भी जानता था कि परमेश्वर इस वेदी के द्वारा काम कर रहे हैं. Because he knows even God said to Moses. इस तंबू के द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं. उसने मूसा से कहा, Build me a sanctuary that I may dwell among them. कि मेरे लिए तो एक निवास स्थान बना कि मैं वहाँ पर वास कर सकूं. And you know when the sanctuary was made. और जब वो तंबू बनाया गया, God was there as a pillar of fire by night, परमेश्वर वहाँ पर रात को अग्नि खंबे के जैसे रहा, and a pillar of cloud by day, और दिन में बादल के खंबे के जैसे, and he was leading them all through the wilderness, और पूरे जंगल में वो उनकी अगुवाई कर रहा था. So now you see, अब आप देखते हैं, that the devil is trying to destroy this, कि शैतान इसे नाश करना चाहता था. Actually, और सच में, one point let me make, एक बात मैं बताना चाहता हूँ. When Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, the sanctuary service was came to an end. जो तंबू की जो सेवाएं थी, वो तो जो विधियां थी वो सब खत्म हो गई. Because when Jesus died, क्योंकि जब यीशु मरा, the veil torn from top to bottom, तो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया. So you don't have to now, और अभी जरूरी नहीं है, take it down, कि हम उसे वहाँ पर कबूतर ले जाएं, or a lamb, या फिर मेमना ले जाएं, or a bullock, या फिर वहाँ पर कोई बड़ा जानवर ले जाएं कि बलिदान कर सके. And that is the key thing that we need to understand. और इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है. Because all of this that God instituted, ये सब कुछ जो प्रभु ने निश्चित किया है, was symbolic of Jesus Christ's sacrifice. वो तो यीशु के बलिदान को दर्शाने वाला है. When John was baptizing people, जब यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, he was saying, "Behold the Lamb of God, which take away the sin of the world." और उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है. Jesus is the Lamb of God. यीशु परमेश्वर का मेमना है. That came to die for you and me. जो आपके और मेरे लिए मरने के लिए आया. And after his sacrifice, और उसके बलिदान के बाद, 2000 years ago, 2000 साल पहले, no need any more sacrifice. अभी कोई बलिदान की जरूरत नहीं है. In vain we sacrifice. हम व्यर्थ में बलिदान करते हैं. The ultimate sacrifice has been paid. जबकि वो सबसे बड़ा बलिदान कर दिया गया है. Because every sacrifice that has to be made, क्योंकि हर एक बलिदान जो किया जाना चाहिए, whether it is a dove, चाहे वो कबूतर हो, whether it's a lamb, चाहे वो मेमना हो, whether it's a bullock, चाहे वो बैल हो, were supposed to be without blemish. वो तो निर्दोष होने चाहिए थे. Without any mark, बिना किसी निशान के, without any sickness or disease, बिना किसी रोग या बीमारी के. And no human being, और कोई मनुष्य, could die for man, मनुष्य के लिए नहीं मर सकता था. Because every man, क्योंकि हर एक मनुष्य, the Bible tells me, बाइबल मुझे बताती है, is conceived in sin, वो तो पाप में जन्मा है, born in sin, पाप में पैदा हुआ है, and live in sin, और वो पाप में जीता है. Only in Jesus Christ, केवल यीशु मसीह, can we be made perfect, उसके द्वारा हम सिद्ध किए जा सकते हैं. So God had to come down, इसलिए परमेश्वर को नीचे आना है, die for man, और मनुष्य के लिए मरना है. Jesus died, यीशु मरा, for man, मनुष्य के लिए. Not for any religion, किसी धर्म के लिए नहीं. Not for any caste, किसी जाति के लिए नहीं. Not for any nation, किसी देश के लिए नहीं. For human beings, लेकिन पूरी मनुष्य जाति के लिए, all of humanity, सारी मानवता के लिए, right from the very first man and woman, इस बिल्कुल शुरू के पहले स्त्री और पुरुष से लेकर, till the last one that is going to be born, आखिरी व्यक्ति जो जन्म लेगा उसके लिए भी. Let us come back here. तो आइए वचन में वापस आते हैं. So now you see, तो हम यहाँ पर देखते हैं, during this 1260 day time period, 1260 दिन के समय काल में, which is years now in literal terms, जो कि सच में देखा जाए तो ये कुछ साल हैं, 538 AD, 538 ईस्वी सन से 1798 AD, 1798 ईस्वी सन तक. So now in this time, अब इस समय में, the traditions that came in, वहाँ पर परंपराएं भीतर आ, one of them was, और उनमें से एक परंपरा थी, this sacrifice of Jesus Christ, कि यीशु मसीह का ये जो बलिदान है, is not enough, ये काफी नहीं है. We need to do penance, हमें अभी कुछ यहाँ पर विधियाँ करनी होगी. And this penance, और ये जो विधियां हैं, is what will give you salvation. और वो विधियां या वो जो काम जो तुम करते वो तुम्हें उद्धार देगा. But Jesus says salvation is only through Him and His sacrifice. लेकिन यीशु ने कहा कि उद्धार तो केवल उसी के द्वारा और उसी के बलिदान के द्वारा है. Only through His blood there is remission for sin. केवल उसी के लहू के द्वारा पापों से क्षमा है. So the altar of sacrifice was destroyed and trampled upon. और इसीलिए जो बलिदान की जो वेदी थी वो तो नाश कर दी गई. Another thing that came up. एक और बात जो वहाँ पर आई. No need to confess and repent to God. परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके वहाँ पर अंगीकार करने की जरूरत नहीं. No need to die to self. खुद के लिए स्वार्थ के लिए मरने की जरूरत नहीं. No need to go in a watery grave of water. पानी में जाने की जरूरत नहीं. And no need to come up new life in Christ. और मसीह में नवीनता या नए जीवन के साथ बाहर आने की जरूरत नहीं. No, we can just sprinkle on newborn babies. और अब तो हम नए जन्मे बच्चे के ऊपर पानी छिड़क सकते हैं. We are talking about baptism. हम बपतिस्मा के बारे में कह रहे हैं. And baptism is what the example Jesus said. और यीशु ने कहा बपतिस्मा ही तो एक उदाहरण है. For every human being, हर एक मनुष्य के लिए Jesus life on this earth, यीशु का जीवन जो इस पृथ्वी पर था, is the example. वही तो उदाहरण है, आदर्श है. And he got baptized, और जब उसने बपतिस्मा लिया, in AD 27, ईस्वी सन 27 में, by John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा. And when he came out of the water, और जब वो पानी से बाहर आया, Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उस पर उतरा. And the Holy Spirit will give comfort. और पवित्र आत्मा तसल्ली देता है. Holy Spirit will give us guidance. पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है. And that is why Jesus, when he went to heaven, और इसलिए जब यीशु स्वर्ग में गया, he said, उसने कहा, I will send you the comforter. मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा. The comforter is coming. और ये सहायक आ रहा है. And he came. और वो आया. And he has been restoring all humanity. और वो पूरी मानवता को फिर से जोड़ रहा है. For those who choose. और ये ऐसी बातें हैं. It is a choice. ये एक चुनाव है. God doesn't force anybody. परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता. You choose to follow him. आप उसके पीछे चलने का चुनाव करते हैं. Or you can choose not to follow him. या उसके पीछे नहीं चलने का भी चुनाव कर सकते हैं. या आपका चुनाव है. God is happy with the choice that you make. आप जो चुनाव करते हैं उसमें परमेश्वर खुश है. But it's sad. लेकिन ये दुख की बात है. That you are not choosing to follow him. कि आप उसके पीछे चलने का चुनाव नहीं कर रहे हैं. Because he wants to be with you. क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है. So now they trampled upon. अब जबकि वो इन्होंने से the laver. और उन्होंने इस हौदी को भी तोड़ दिया है. Which represents the dying to self by baptism. जो कि बपतिस्मा के द्वारा स्वार्थ के लिए मर जाने को दर्शाता है. Another thing that happened. एक और बात हुई. Bibles were taken away. बाइबल हटा दी गई. And that is why it's also called dark ages. और इसीलिए इसे डार्क एज यानी अंधकार का युग कहा गया. You can check history books. आप इतिहास की किताबों को देखिए. You will find dark ages. आप वहाँ पर अंधकार के युग को देखेंगे. You will find that Bibles were taken away. आप देखेंगे कि बाइबल हटा दी गई. And because Bibles are taken away. और बाइबल हटा दी गई. इसके कारण people don't know what is right and what is wrong. लोग नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है. So they were instructed. और वो इन्हें बताया जाता है. You have to listen to the priest. कि तुम्हें याजक की सुनना है. Priest will tell you what to do. और याजक तुम्हें बताएगा क्या करना है. So lot of traditions came into the system. तो इस समय में सिस्टम में बहुत सी परंपराएं आने लगी. But people already knew that what they ought to do. लेकिन लोग जानते थे कि उन्हें क्या करना है. In the initial generation. शुरू की पीढ़ी में. Because they were now protesting to say this is not right. क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि ये सही नहीं है. But soon they were silenced. लेकिन जल्दी उन्हें चुप कर दिया गया. And it continued. और वो आगे बढ़ता चला गया. They trampled upon the table of shewbread. उन्होंने उस मेज की रोटी को भी मानो उस परिस्थिति से हटा दिया. Which represents the word of God. जो कि परमेश्वर के वचन को दर्शाती है. And the word is Jesus Christ. और वचन प्रभु यीशु मसीह है. Every single is Jesus Christ. हर एक जो पात्र है हर एक जो चीज है वो यीशु को दर्शाती है. Jesus Christ has been trampled upon in every aspect of his ministry. इस सेवकाई के दौरान यहाँ पर जो है इस काम के दौरान यीशु मसीह को हर तरह से मानो हटा दिया गया. Look at another thing. चलो एक और बात देखते हैं. No need to pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं. You pray to us. तुम हमसे प्रार्थना करो. Because we are God on earth. क्योंकि इस पृथ्वी पर हम ही ईश्वर हैं. Every priest is a God. हर एक याजक खुद को ईश्वर मानने लगा. So you confess to the priest. इसीलिए याजक के सामने अंगीकार करो. The priest has power to forgive your sins. और याजक में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे. The Bible tells us. बाइबल हमें बताती है. Forgiveness is only through Jesus Christ. कि क्षमा तो केवल प्रभु यीशु के द्वारा है. Through the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू के द्वारा है. Trampled upon the sacrifice of Jesus Christ again. यहाँ पर फिर से यीशु के बलिदान को मानो हटा दिया गया कुचला गया है. One more article. एक और चीज है. 7 branch candlesticks. वो 7 दीवटें. During this 1260 year period. 1260 साल के समय में. You would notice that evangelism, gospel was not preached. आप यहाँ पर देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया. Jesus was not being proclaimed. यीशु का दावा नहीं किया गया. Telling that Jesus is coming again. ये बताते गए कि यीशु वापस आ रहा है, ये भी नहीं बताया गया. That is why years and centuries have gone by. और इस तरह से कई साल बीत गए, कई सदियाँ बीत गई. Nobody was hearing that this gospel is being preached. किसी ने ये नहीं सुना कि ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा. Jesus came and went. यीशु आया और चला गया. He is waiting to come. और वो आने का इंतजार कर रहा है. But everybody needs to hear that is coming. लेकिन सबको सुनना जरूरी है कि वो आ रहा है. And this is what we are trying to do. और हम यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं. Right now, what you are listening is telling Jesus is coming soon. इस समय हम आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि यीशु जल्दी आ रहा है. In fact, और सच में negative evangelism took place. नकारात्मक सुसमाचार प्रचार किया गया. Meaning what happened? इस मतलब क्या हुआ? Roman system now was. रोमी परंपरा ये थी. Going and conquering. कि जाकर जीतते चले जाओ. And killing. और उन्हें मारते चले जाओ. Everybody was following Jesus Christ. हर कोई जो यीशु के पीछे चलता. You can check history. आप पूरे इतिहास को देख लीजिए. There's a term called Inquisition. Inquisition नाम का एक शब्द था. Check and read about Inquisition. आप Inquisition के बारे में जांच के देखिए. Millions of Christians were killed. लाखों लाखों विश्वासियों को मारा गया. During 538 AD and 1798 AD. ईस्वीसन 538 से लेकर 1798 तक. 7 branch candle stand destroyed. 7 दीवटों वाला जो दीपक था, दीवट था वो नाश कर दिया गया. 7 branch candle stand represents people. और ये जो 7 दीपकों वाला जो दीवट था वो लोगों को दर्शाता है. In the book of Revelation it's called the 7 churches time period. प्रकाशित वाक्य की किताब में उसे 7 कलीसिया का युग काल कहा गया है. We will study little bit when we come to it. और जब हम उसे देखेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे. So let us come back. तो आइए वापस चलते हैं. One article left. एक और चीज बाकी रह गई. The most holy place. महापवित्र स्थान. So in the most holy place. महापवित्र स्थान में. In the ark of the covenant. वाचा का संदूक. You have the 10 commandments. वहाँ पर 10 आज्ञाएं थी. So they took out the 10 commandments. तो उन्होंने 10 आज्ञाओं को निकाल लिया. Remove the second commandment. दूसरी आज्ञा उसमें से हटा दी. The second commandment says. दूसरी आज्ञा कहती है. Thou shalt not make any image. कि तू कोई मूर्ति नहीं बनाना. In heaven above. ऊपर ना आकाश की. और on the earth beneath. ना पृथ्वी की. और in the waters under the earth. या पृथ्वी के नीचे की या पानी के अंदर की. Thou shalt not bow down to them. तो उनके सामने नहीं झुकना. Nor serve them. तो उनकी ना सेवा करना. For I the Lord thy God am a jealous God. कि मैं तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला हूँ. This curse is there. और वहाँ पर श्राप है. You can go and read. आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. Read the 10 commandments. 10 आज्ञाओं को पढ़िए. It's found in Exodus chapter 20. निर्गमन 20 में ये पाई जाती है. And then you will see what God wants him to, us to do. और आप देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर क्या चाहता है कि हम करें. So now that is why. और इसीलिए अब you see idols. आप मूर्तियों को देखते हैं. You see saints. आप संतों को देखते हैं. Statues. वहाँ पर बुतों को देखते हैं. And people praying even to pictures. और यहाँ तक कि लोग तस्वीरों के सामने प्रार्थना करते हैं. This is what God did not design. परमेश्वर ने ये नहीं बनाया था. This is what has come into tradition. ये तो परंपरा के द्वारा आया है. And therefore we are breaking the second commandment. और इसलिए हम दूसरी आज्ञा को तोड़ रहे हैं. One more thing that happened. एक और बात हुई. The fourth commandment. चौथी आज्ञा. The fourth commandment says. चौथी आज्ञा कहती है. Remember the Sabbath day. सब्त के दिन को स्मरण रखना. To keep it holy. कि उसे पवित्र बनाए रखना. 6 days shall thou labor. 6 दिन तू मेहनत करना. And do all thy work. और तू अपना सारा काम करना. But the 7th day. लेकिन 7वां दिन. Is the Sabbath of the Lord thy God. ये तो प्रभु परमेश्वर के लिए सब्त का दिन है. 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. 7वां दिन तेरे प्रभु परमेश्वर का सब्त का दिन है. It is the Lord's day, not man. ये प्रभु का दिन है, मनुष्य का नहीं. And God says. और परमेश्वर कहता है. Keep it holy. इसे पवित्र रखना. And who should keep it holy? और इसे कौन पवित्र रखेगा? Thou. तू. Nor thy son. ना तेरा बेटा. Nor thy daughter. ना तेरी बेटी. Nor thy man servant. ना तेरा दास. Nor thy maid servant. ना तेरी दासी. Nor thy cattle. ना तेरे पशु. Nor thy stranger. और ना ही तेरे मेहमान. That's within thy gates. यानी जो तेरे फाटकों के बीच में है. For the Lord the God. क्योंकि प्रभु परमेश्वर created the earth, ये इसने पृथ्वी को बनाया. 6 days, 6 दिनों में बनाया. Heaven and the earth, आकाश और पृथ्वी को बनाया. And the sea and the fountains of waters, और जल के सोते और समुद्र को बनाया. And rested, और फिर उसने विश्राम किया. And hallowed it, और उसने उसे पवित्र ठहराया. This commandment, ये जो आज्ञा है कि तू विश्राम करना, identifies, ये बताती है who God is, कि परमेश्वर कौन है. And what he did, और उसने क्या किया है. And what he expects us to do. वो हमसे क्या करने की अपेक्षा करता है. This is the day, ये वो दिन है, he says, वो कहता है is my day, कि ये मेरा दिन है, and therefore he wants man, और इसलिए वो चाहता है कि मनुष्य to spend time with him, उसके साथ समय बिताएं, and keep it holy, और उसे पवित्र रखें। What does it mean to keep it holy? उसे पवित्र रखने का मतलब क्या है? Let us understand this. आइए इसे समझते हैं। Turn your Bibles to Isaiah 58. अगर आप बाइबल में यशायाह 58 देखते हैं, you would see the last two verses, तो आखिरी दो वचनों में आप ये देखेंगे, which is 13 and 14, जो कि यहाँ पर वचन 13 और 14 है, and it says like this, ये इस तरह से कहता है, if thou turn away thy foot from the Sabbath, ये कहता है 13 और 14, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करें, from doing thy pleasure on my holy day, और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें, again he says my holy day, वो फिर से यहाँ कहता है मेरे उस पवित्र दिन, and call the Sabbath a delight, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, the holy of the Lord, और यहोवा का पवित्र किया हुआ, honorable दिन समझकर माने, and thou shalt honor him, यदि तू उसका सम्मान करके। Can you see the admonition coming here? यहाँ पर देखिए कितनी चेतावनियाँ दी गई है, not doing thine own ways, और तू अपने वहाँ पर उस दिन अपने मार्ग पर न चले, nor finding thine own pleasure, अपनी इच्छा पूरी न करें, nor speaking thine own words, और अपनी ही बातें न बोले। Verse 14, वचन 14, then shalt thou delight thyself in the Lord, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, for the mouth of the Lord has spoken it, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। Now you may say, अब आप कह सकते हैं, this is talking to the Jews, ये तो यहूदियों के बारे में कह रहा है, because it says Jacob thy father, ये कहता है कि तेरे मूल पुरुष याकूब। Am I a Jew? क्या मैं यहूदी हूँ? I am not a Jew by genealogy, मैं वंशावली के द्वारा तो यहूदी नहीं हूँ, but my Bible tells me, लेकिन मेरी बाइबल मुझे बताती है, I am a descendant of Abraham, कि मैं तो अब्राहम का वंशज हूँ, spiritual descendant of Abraham, अब्राहम का आत्मिक वंशज हूँ, so I am a spiritual Jew, इसलिए मैं आत्मिक यहूदी हूँ, I am a spiritual Israelite, मैं आत्मिक इस्राएली हूँ। This applies to me too, ये मेरे लिए भी उपयोगी है, and you too, और आपके लिए भी, every human being, हर एक मनुष्य के लिए। Let us remember, आइए इस बात को याद रखें, in the 70 weeks prophecy, 70 हफ्तों की इस भविष्यवाणी में, the probation closes for the Jews, जो अनुग्रह का समय था वो तो यहूदियों के लिए बंद हुआ है, in 34 ईस्वी सन 34 में, as a nation, एक देश के रूप में, not for individuals, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, any individual who chooses to follow Jesus Christ, हर एक यहूदी व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलने का चुनाव करता है, is given, उसे उद्धार दिया जाता है, John 3:16 says, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, God so loved the world, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, that he gave his only begotten son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that whosoever believeth in him, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, should not perish, वो नाश ना हो, but have everlasting life, परंतु अनंत जीवन पाए। Jesus created this earth, यीशु ने इस पृथ्वी को बनाया, and he wants us to follow him, और वो चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, and to follow him, और उसके पीछे चलने का मतलब, you have to keep the commandments, आपको आज्ञा माननी होगी, because keeping the commandments, क्योंकि आज्ञाओं को मानना is nothing but, ये और कुछ नहीं, the love of God, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, and the love of man, और मनुष्य का प्रेम है। When Jesus was on this earth, यानी परमेश्वर से प्रेम कर रखना, मनुष्य से प्रेम रखना, यीशु जब इस पृथ्वी पर था, people came and asked him, लोगों ने आकर उससे पूछा, which is the greatest commandment, सबसे महान आज्ञा कौन सी है? Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, love their God, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना, with all their heart, अपने पूरे हृदय से, with all their mind, अपने पूरे मन से, with all their soul, अपने पूरे प्राण से, this is the greatest commandment, यही सबसे बड़ी आज्ञा है, and the second, और दूसरी is like unto it, जो उसी के जैसी है, love thy neighbor, अपने पड़ोसी से as thyself, अपने जैसे प्रेम रखना। Again when he was asked, और जब फिर से उससे पूछा गया, you know what he said? जानते उसने क्या कहा? He said, उसने कहा, love thy neighbor, अपने पड़ोसी से as I have loved you, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे प्रेम रखो। This is the essence of the commandment, ये उस आज्ञा का सार है। Let us understand this, आइए इसे समझ लेते हैं। The commandments are 10, जो आज्ञाएं वो तो 10 हैं। If you examine the commandments, अगर आप आज्ञाओं को देखें, the first 4 commandments, पहली 4 आज्ञाएं is our relationship with God, वो तो परमेश्वर के साथ संबंध में है, meaning our love of and for God, और वो तो ये है कि हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम, And the next 6 commandments, और फिर अगली 6 आज्ञाएं, is our relationship with human beings, वो तो मनुष्यों के साथ के हमारे संबंध के बारे में, meaning our love connections with all humanity, इसका मतलब पूरी मानवता के साथ में हमारा प्रेम का संबंध। These are the 2 commandments Jesus was referring to, ये 2 आज्ञाएं हैं जिसके बारे में यीशु बता रहा था। James 2:10 says, याकूब 2:10 कहता है, if you keep the whole law, अगर तुम पूरी व्यवस्था को मानो, and offend in one, और एक में गिर जाओ, ठोकर खाओ, you are guilty of all, तो तुम सबके दोषी हो। Can you see what is happening? क्या आप देख सकते हैं क्या हो रहा है? And the devil knows, जो शैतान जानता है, that we need to break only one, कि हमें बस एक ही तोड़ना है। We don't need to break all 10, हमें सारी 10 आज्ञा तोड़ने की जरूरत नहीं, so many, और हमें बहुत सी आज्ञा तोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक काफी है। If you break one, अगर एक तोड़ दे, you've broken all, तो मानो सबको तोड़ दिया। That is God's love, ये परमेश्वर का प्रेम, and that is what we ought to have, और हमें यही करना है। And the devil wants to suppress this, और शैतान इसे तोड़ देना चाहता है। So now what is left in the commandments? तो अब आज्ञा में क्या रह गया है? Second commandment taken away, दूसरी आज्ञा निकाल दी गई है। So now everybody knows commandments are 10. अब लोग सब जानते हैं कि 10 आज्ञाएं हैं। Whether people believe it or not, चाहे लोग विश्वास करें या न करें। Everybody knows commandments are 10. सब लोग जानते हैं कि 10 आज्ञाएं हैं। So now they make the 10 commandment into 2 to make it 10. तो उसे 10 बनाने के लिए उन्होंने 10वीं आज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया। That means commandment number 3 becomes 2. 4 becomes 3 and so on. और इसका मतलब तीसरी वाली जो आज्ञा वो दूसरी होगी, चौथी वाली आज्ञा तीसरी होगी, इस तरह से। And the fourth commandment, और चौथी आज्ञा is cut completely, पूरी तरह से काट दी गई। One sentence left, एक शब्द रह गया। Remember the Sabbath day to keep it holy, कि तू सब्त के दिन को स्मरण रखना, उसे पवित्र रखना। That's all, बस इतना ही। Which day, कौन सा दिन, doesn't identify, कोई नहीं बताता। But God gave which day to keep it holy, परमेश्वर ने बताया कौन सा दिन पवित्र रखना। He said seventh day keep it holy, उसने कहा 7वां दिन पवित्र रखना, because it is my day, क्योंकि वो मेरा दिन है। And today people think, और आज लोग सोचते हैं, we can do anything, हम कुछ भी कर सकते हैं। When God says this is my day keep it holy, जब परमेश्वर कहता है ये मेरा दिन है इसे पवित्र रखो। Do you want to listen to God? क्या आप परमेश्वर को सुनना चाहेंगे? Or do you want to listen to Satan? या शैतान की सुनना चाहेंगे? Jesus said, यीशु ने कहा, you can either serve God, एक तो तुम परमेश्वर की सेवा करो, और मेमन, या फिर मामोन की यानी धन की। You cannot serve two, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Money is a god, पैसा भी ईश्वर है, and anything else is a god, और बाकी कोई और चीज भी ईश्वर है, लेकिन केवल परमेश्वर की सेवा कीजिए। This is what God wants us to do, परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है। Can you see how the devil trampled upon every sanctuary services which represent Jesus Christ? क्या आप देख सकते हैं कि शैतान ने कैसे यीशु मसीह को दर्शाने वाली उस तंबू की हर एक चीज को मानो तोड़ दिया है? As we go through this series, closing, इस सीरीज के आगे में आगे बढ़ते जाएंगे। One more series session to happen, एक और प्रोग्राम इसके बारे में बाकी है। One session we are going to discuss, एक उस सेशन में हम चर्चा करेंगे how God is restoring, कि परमेश्वर कैसे इसे वापस ला रहा है, इस पवित्रता को, इस जगह को। Because this sanctuary exists in heaven, क्योंकि ये जो तंबू है, मिलाप वाला तंबू, तो स्वर्ग में है। In heaven you have the holy place and the most holy place, स्वर्ग में वहाँ पर पवित्र स्थान है, महापवित्र स्थान है। The outer court is this earth, बाहरी आंगन तो ये पृथ्वी है। Jesus came to this earth and sacrificed in the outer court, यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसने बाहरी आंगन में अपना बलिदान किया। He got baptized as an example to us in the outer court, बाहरी आंगन में हमें दर्शाने के लिए उसने वहाँ पर बपतिस्मा लिया। Ascended into the holy place, और वो फिर पवित्र स्थान में चला गया। And he was ministering for us in the holy place, और पवित्र स्थान में वो हमारे लिए सेवा कर रहा है। And this will bring us to the next prophecy which we're going to study in the next session, और ये हमें अगली भविष्यवाणी में लेकर जाता है जिसके बारे में हम अगले सेशन में। And now we're going to see how God is restoring this sanctuary, और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे इस तंबू को फिर से बना रहा है, through the Protestant Reformation, इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के द्वारा। It is amazing and exciting, ये सच में बहुत ही रोमांचित करने वाला है, because this will lead us to the time that when Jesus is going to come, क्योंकि ये हमें उस समय में लेकर जाएगा जिस समय यीशु आएगा। I hope and pray, मेरी आशा और प्रार्थना that you will be encouraged, कि आप प्रोत्साहित हो जाएं, to take these Bibles up again, कि आप इस बाइबल को फिर से open them and read them, इसे फिर से खोलकर पढ़ने लगें। This is what I would urge you to do, मैं आपसे बस यही करने की विनती करता हूं। May God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray, आइए प्रार्थना करते हैं। Merciful God, दयालु परमेश्वर, thank you for your revelation that you have given to us through the books of Daniel and Revelation, दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य के द्वारा आपने हमें जो प्रकाशन दिया उसके लिए धन्यवाद। Which are for the time of the end, और प्रभु ये तो अंतिम समय के लिए है। I pray, Lord, मेरी प्रार्थना है प्रभु, that we will have the diligence that we want to learn more and understand, कि प्रभु हम बड़ी ईमानदारी से इन बातों के बारे में और भी अध्ययन करें और इसको समझते जाएं। And therefore we ask the Holy Spirit to give us understanding, और इसीलिए हम मांगते हैं पवित्र आत्मा हमें समझ दे। I pray in Jesus name, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। I thank my brother and my friend Dr. Robert Totimpuri, मैं अपने मित्र और अपने भाई डॉक्टर रॉबर्ट तोटिमपुरी का धन्यवाद करता हूं। We pray that the Holy Spirit will help us to apply these lessons to our lives. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि इन पाठों को, इन सीख को हम अपने जीवन में उपयोग कर सकें. And live in accordance with God's will and be prepared for God's kingdom. और हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जीते चले जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं. I thank him for sharing the entire message in the form of the summary of the message of Book of Daniel. दानियल की किताब का सारांश बताने के लिए मैं सच में उनका धन्यवाद करता हूँ. Through the aspects of the sanctuary message. और ये तो उस मिलाप वाले तंबू के दृष्टिकोण से हम इन सारी बातों को देख रहे हैं. Dear friends, please remember every Thursday morning 6:30 to 7. प्यारे दोस्तों याद रखिए हर एक गुरुवार सुबह 6:30 से 7 बजे तक. God's true light. परमेश्वर की सच्ची ज्योति. We are having an exciting series of the overview of the Book of Daniel presented by Dr. Robert Totimpuri. हम डॉक्टर रॉबर्ट तोटिमपुरी की ओर से दानियल की किताब के बारे में सारांश का अध्ययन करते चले जा रहे हैं. If you miss it on TV, please watch it on YouTube. अगर आप इसे टीवी पर चूक गए हैं तो आप इसे YouTube पर देखिए. Please type डॉक्टर रॉबर्ट तोटिमपुरी. कृपया करके टाइप कीजिए डॉक्टर रॉबर्ट तोटिमपुरी. Daniel series. Daniel series. And you will have the privilege of watching the message. तो आप YouTube पर इन संदेशों को देख पाएंगे. आपको ये सौभाग्य मिलेगा. May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे. Our address, God's True Light, door number 6-19-16/6-1, West Ibrahim Patnam, pin number 521456, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093 131 171.